में मौजूद हैं, जहां पर हम जानेंगे कि गुड़ बनाने की जो प्रोसेस है वो क्या है, किस तरीके से गुड़ बनाने का काम है वो किया जाता है। शुरुआत से आपको दिखाएंगे कि किस तरह से वो गुड़ बनकर तैयार होता है, और बन के तैयार होने के बाद हमारे पास मार्केट में पहुंचता है और हम बड़े लाजवाब ढंग से है गुड़ को खाते हैं। तो चलिए देखते हैं गुड़ बनाने की प्रोसेस क्या है, चलिए बारीकी से दिखाते हैं कि किस तरीके से गुड़ है वो तैयार किया जाता है, कितनी मेहनत है वो इस गुड़ को बनाने में लगती है। पहले से मैंने निकली है काफी, और पहले के बाद दूसरे वाले में इसमें थोड़ा और बेटर हुआ, दूसरे वाले इसके बाद इसमें सारा बेटर हो गया, तीसरे वाले में इसके बाद उसमें पक जाता है पूरा, और पकने के बाद में अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम चंद्रभान सिंह। अच्छा, तो यहाँ पे जो गुड़ बनाया जाता है कि गुड़ बनाने किस तरह बनाया जाता है, उसकी प्रक्रिया क्या रहती है, शुरू से बता दीजिए आप। पहले तो ये गन्ना मंगाया जाता है किसानों के द्वारा, ठीक है, गन्ना मंगा करके चलते रहो, और फिर वो पावर वाला इंजन है 25 HP का। कितने पावर का है ये? 25 HP का।
कोई मिलावट नहीं होती। मिलावट होती तो किस तरीके की मिलावट है? ये हमें पता नहीं है कुछ करते होगा। हमने तो हम मंडी करते हैं और मतलब ये दवाई वगैरह भी बाहर भी जाता है। नहीं नहीं, यूपी से बाहर हमारा नहीं जाता। ये तो मतलब ये थोक व्यापार जो होता है मतलब वो ले जाता है। कितने सीजन तक है, कितने टाइम तक चलता है? 2 महीने के लिए तो ऐसा जितना गन्ना मिलेगा उतना चल जाता है। मिनिमम 4 महीने तो मान के चलो। कितने क्विंटल निकाल देते हैं? हम निकाल देते हैं करीब 8 क्विंटल। तो कितना प्रॉफिट हो जाता है? प्रॉफिट तो ये है कि अपना मतलब ये है कि खाली पड़ेगा तो अपना चावल का चल जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं। कितना टाइम लग जाता है पूरी प्रक्रिया में? मतलब कितना वहाँ से धोने से लेके मशीन में पिराई की यहाँ पे आना फिर ये कितना गुड़ बनने में कितना टाइम लग जाता है? गुड़ बनने में अब ये पहली बार से प्रक्रिया ले तो शुरू से लेकर चले थे हम तो शुरू से जो स्टार्टिंग जो करेंगे वहाँ से पहली बार तो पहला मतलब वो जो चांदनी आएगी उसमें 3 घंटे फिर लगभग लग जाए 3 घंटे के। उसके बाद तो मतलब ये है कि 1 घंटे 2 घंटे पीछे आती है। पहला जो आएगा उसमें थोड़ा टाइम लगता है। पहला जो आती है उसमें कच्चा रस होता है ना, तो उसके लिए कच्चा होता है। बॉयल करने में पहला ठंडा होता है तो टाइम तो लगता है। फिर तो ये लगभग चारों कढ़ाओं में गर्म हो जाता है। उसके बाद में तो बस 1.25 घंटे 1 घंटे बाद जो है कंटिन्यू चलता है। हेलो हेलो पीछे साइड में आया तुम मोबाइल लेकर आया।